गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ओम प्रकाश सर। और आज जो है हम लोग आने वाले टेस्ट के लिए हम लोग आज तैयारी करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे जीके का। आज जो है सब्जेक्ट जीके का कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे लोग का जो एग्ज़ाम है, आप लोग का जो एग्ज़ाम है 17 सितंबर से को शुरू है, ठीक है, और लास्ट क्लास है आज। तो आप लोग जो है कल से एग्ज़ाम देना है आप लोगों को। इससे पहले है कि हम लोग जो है इससे पहले SST का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, और आज जो है हम लोग GK के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है एकदम से इस क्लास को बढ़िया से देखिए, दिमाग लगा के देखिए और माइंड को कंसंट्रेट होकर देखिए, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। पहला जो क्वेश्चन है, ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर वाश द नेशनल फ्लैग एट द, इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। कहाँ पर फहराते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है ए में है इंडिया गेट, बी में है रेड फोर्ट और सी में है पार्लियामेंट। इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। सेकेंड, तब तक मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, ए पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स स्पेक्टिकल्स इज कॉल्ड ए एंड ए में है ऑप्टिशियन, बी में है डेंटिस्ट, और सी में है केमिस्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ए पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स स्पेक्टिकल्स इज कॉल्ड AM। इसका मतलब ये हुआ कि चश्मा बनाने और बेचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, यानी चश्मा बनाने वाले या बेचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिशियन, ऑप्शन नंबर बी है डेंटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है केमिस्ट। तो इन तीनों में से कौन सही है वो कमेंट में लिख के आप बताइए, ठीक है। थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए, थ्री नंबर है, Which of the following languages is mainly spoken in Kerala? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज मेनली स्पोकन इन केरला। ऑप्शन नंबर ए में है तमिल, ऑप्शन नंबर बी में है तेलुगु, और ऑप्शन नंबर सी में है मलयालम। मलयालम। गुड मॉर्निंग अंकिता, कैसे हो, क्या हाल चाल है तुम्हारा, कहाँ थी तुम गायब, कहाँ थी तुम, सो बताओ कहाँ गायब थी।
तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज मेनली एज स्पोकन इन केरला। इसका मतलब यह हुआ कि निम्न में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से केरल में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा केरल में मुख्य रूप से बोली जाती है। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग। चलो बहुत बढ़िया है, आप लोग इसका आंसर बताइए, अगर जानते हैं इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में था तमिल, बी में है तेलुगु और सी में है मलयालम। ठीक है, देखिए अगर आंसर देना होगा ना, जैसे नंबर वन, तो क्वेश्चन नंबर वन लिख कर और डैश देके जो सही होगा इसमें से वो हम लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ तो ऐसे ही आंसर लिख के भेजिए। फोर नंबर में देखिए, थ्री नहीं बेटा, ए बी सी करके लिख के भेजिए, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लिया कि वन, मान लिया कोई वन है, उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पे हम बी देंगे, ऐसे लिख के भेजिए ऐसे। ठीक है चलिए, फोर नंबर देखिए, फोर नंबर में है वाज लॉर्ड राम वाइफ, हु वाज लॉर्ड राम्स वाइफ। ए में है गॉडेस राधा, गॉडेस राधा। बी में है गॉडेस सीता, और सी में है गॉडेस उर्मिला, गॉडेस उर्मिला। चलिए फाइव नंबर में देख लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर इसके बाद हम लोग डील करेंगे। ठीक है, फाइव नंबर में है द कैप्टेन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम विच वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983 वाज। ये है सुनील गावस्कर, बी में है सचिन तेंदुलकर, और सी में है कपिल देव। चलिए वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अंकिता, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पांच क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अब आप लोग रेडी हो जाइए, अब आप लोग जो है रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन मैं देखूंगा कि किसका आंसर सही है, ठीक है चलिए। हाँ लिखना है, चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर वाइज्ड वाइज्ड द नेशनल फ्लैग एट द, यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, कहाँ फहराते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर बी है रेड फोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है पार्लियामेंट। तो कौन सा सही होगा बताइए। वन रेड फोर्ट, वेरी गुड अंकिता, बहुत बढ़िया आंसर आपका, रेड फोर्ट, लाल किला पे प्रधानमंत्री जो है
राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स स्पेक्टिकल्स इज कॉल्ड, स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा। वेरी गुड, ए गलत है। यहाँ पे जो है सेकेंड में है, चश्मा बनाने और बेचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? व्यक्ति क्या जो चश्मा जो बेचता है ना, और उसको बनाता है, उसे हम लोग ऑप्टिशियन बोलते हैं। इसलिए सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चश्मा बनाने वाले और बेचने वाले व्यक्ति को ऑप्टिशियन कहा जाता है। ये बात अपने माइंड में फिट कर लीजिए। थर्ड में है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज मेनली स्पोकन इन केरला। इसका मतलब यह हुआ कि निम्न में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से केरल में बोली जाती है? इनमें से कौन सी भाषा मुख्य रूप से केरल में बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है तमिल, ऑप्शन नंबर बी है तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी है मलयालम। कौन ऐसा है बच्चा, तेज बच्चा है जो इसका आंसर बता सकता है? जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, आप इसका आंसर बताइए। केरल में बोले जाने वाली मुख्य रूप से भाषा इनमें से कौन है? तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है? अमन गलत है तुम्हारा आंसर, अमन का आंसर गलत है। अंकिता तुम बताओ, अंकिता केरल में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? सर ए, नहीं बेटा गलत है, तमिल तो तमिलनाडु में बोला जाता है। इसमें होगा मलयालम। क्या होगा? मलयालम। केरल में मुख्य रूप से मलयालम लैंग्वेज को बोला जाता है, ठीक है ना। फोर नंबर में ये तो बताना ही पड़ेगा, तेलुगु नहीं हुआ बेटा, तेलुगु गलत है, तेलुगु वहां की भाषा नहीं है। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग जानते होंगे, हु वाज लॉर्ड राम्स वाइफ, राम की पत्नी यानी भगवान राम की पत्नी कौन थी? हु वाज लॉर्ड राम्स वाइफ, भगवान राम की पत्नी कौन थी? भगवान राम की पत्नी कौन थी बताइए? सब रामायण देखता है, राम जी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है गॉडेस राधा, है ना, देवी राधा, गॉडेस सीता, देवी सीता, और गॉडेस उर्मिला, देवी उर्मिला सीता। वाह क्या बात है मन, बहुत बढ़िया। यानी गॉडेस सीता जो है राम की पत्नी थी, ठीक है। चलिए अब जो है, वेरी गुड अंकिता, अब जो है हम लोग थोड़ा सा गेम की तरफ चलते हैं, वो भी क्रिकेट की तरफ। क्वेश्चन है, द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम विच वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983 वॉज। इसका मतलब ये हुआ कि 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? 1983 में जो इंडियन क्रिकेट टीम, जो भारतीय क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप जीता था, उस समय उस टीम के कप्तान कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर, और ऑप्शन नंबर सी कपिल देव। बताइए इनमें से कौन आंसर सही होगा? इनमें से कौन से ऐसे कैप्टन है? बी बेटा, सचिन तेंदुलकर के कैप्टेंसी में इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। रश्मि झा बेटा, ऑप्शन ई जॉनी, इसमें जॉनी कहाँ है? नहीं बेटा गलत है, यहाँ पे है देखिए हमारा जो बी गलत है बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, सचिन तेंदुलकर नहीं है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के कैप्टेंसी में आज तक इंडिया। सर मैं लड़का हूँ, नाम लड़की वाला डाला हूँ, क्यों बेटा ऐसा क्यों किए हैं? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, रश्मि झा के नाम से जो आंसर आया है कपिल देव। अमन भी सही आंसर लिखा है, सी कपिल देव। देखिए बेटा
1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, उसमें जो कैप्टन थे वो थे कपिल देव। और कपिल देव, अच्छा, तो कपिल देव जो है उन्हीं की कैप्टेंसी में हमारा जो इंडिया जो टीम है, इंडिया जो है वो सचिन 1983 में वो वर्ल्ड कप जीता था। दूसरी बार 2011 में, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टेंसी में हमारा जो टीम है इंडिया, इंडियन क्रिकेट टीम, वो जो है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। उसमें भी इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया, ठीक है ना। तो दो बार हमारा जो विजेता है इंडियन क्रिकेट टीम। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी जो है ये आपका कपिल देव 1983 में कपिल देव, अगर 2011 रहता तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी होता, ठीक है ना। चलिए, इसमें कोई दिक्कत, इस पांच क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला तो देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिपेंडेंस डे के दिन यानी 15 अगस्त के दिन। हाँ, और क्वेश्चन लिखाएंगे बेटा, और क्वेश्चन देंगे। तो 15 अगस्त के दिन यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट पे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति चश्मा बनाता है या बेचता है, जो व्यक्ति चश्मा बनाता है या बेचता है उसको हम लोग ऑप्टिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। यूपीएससी क्रैक करेगा बिना पढ़े। चलिए, इसका आंसर दीजिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, यानी इनमें से किसका प्रयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। थर्मोमीटर है आंसर। वेरी गुड, थर्मोमीटर होगा, यानी थर्मोमीटर का प्रयोग हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। सही है, सी नंबर सही है। 7 नंबर में देखिए,
चलिए, पेप्सोडेंट इज ए ब्रांड ऑफ, पेप्सोडेंट किसका ब्रांड है? वाह, ऑप्शन नंबर ए टूथपेस्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सोप शैम्पू, इसमें होगा टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट जो है टूथपेस्ट का ब्रांड है, वेरी गुड। एट नंबर देखिए, चलिए वाह, हाउ मेनी प्लेइंग कार्ड्स आर देयर इन ए पैक, एक पैक में प्लेइंग कार्ड्स के कितने पत्ते होते हैं? 50, 52, 60, 52, वाह क्या बात है, प्लेइंग कार्ड के बारे में सब जानता है, वेरी गुड, 52। सारा बिहार से हो, रश्मि झा, बेटा हम बिहार से ही हैं, बिहार से ही हैं हम। एट नाइन नंबर, नाइन नंबर में लिखिए, चलिए बताइए, पिज्जा इज ए फेमस ऑफ, पिज्जा कहाँ का प्रसिद्ध डिश है बताइए तो? आप दरभंगा जिला से हैं तो हम मुजफ्फरपुर जिले से हैं बेटा, हाँ क्या बात है, इटली, ध्रुव पटेल, इटली, वेरी गुड, पिज्जा इज ए फेमस ऑफ इटली, फेमस डिश ऑफ होगा, फेमस डिश ऑफ, पिज्जा कहाँ का फेमस डिश है? तो इटली का, वेरी गुड, सही है इटली। और 10 नंबर में देखिए, चलिए लखनऊ, वेरी गुड, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, लखनऊ सही है, सी नंबर सही है। चलिए हम तो मुजफ्फरपुर जिला से हैं, आप लोग जो है मोतिहारी हैं, मोतिहारी जो है पूर्वी चंपारण में पड़ता है, पूर्वी चंपारण जिला हुआ है ना। चलिए उसके बाद है, चलिए एक बात बताइए, आगरा का ताजमहल कहाँ है बताओ जल्दी सब, आगरा का ताजमहल कहाँ है जल्दी, कौन बताता है? आगरा का ताजमहल कहाँ है जल्दी बताओ, मुजफ्फरपुर जिला से है, वेरी गुड।
ये क्या क्वेश्चन हुआ सर? उत्तर प्रदेश रश्मि झा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है बेटा। आप उत्तर प्रदेश में तो है लेकिन कहाँ है बताइए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है बेटा, आप क्वेश्चन सही से सुने नहीं। अगर आप क्वेश्चन सही से सुने सुनते तो इसका आंसर क्लियरली बता देते आप। जल्दी बताइए, अभी भी टाइम है, जल्दी कीजिए। लाइन ये तो महेश, अमन अमन अमन, वेरी गुड। हाँ, क्या बात है अमन, बहुत बढ़िया। मैंने पूछा आगरा का ताजमहल कहाँ है, तो आगरा का ताजमहल आगरा में ही ना है बेटा। समझ में आई बात? टमाटर को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, जल्दी बताइए, टमाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, हाँ अंकिता, वेरी गुड। टमाटर को हिंदी में टमाटर ही कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए। हाँ बताइए, राजेंद्र प्रसाद, वेरी गुड। हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के आलू का कौन सा भाग खाते हैं? द पोटैटो विच वी ईट इज ए, इनमें से कौन सा भाग जो है आलू का हम लोग खाते हैं? रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, या फिर फ्रूट खाते हैं? जल्दी बताइए। क्विक आंसर दीजिए बेटा, रूट गलत है, गलत है बेटा। गलत है सबका।
स्टीम। हाँ बेटी, वेरी गुड आंसर। हम लोग पोटैटो का स्टीम खाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग वाज ए फेमस हिंदी नॉवेलिस्ट। इन लोगों के बीच में कौन है जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं, बताइए। इनमें से कौन जो है हिंदी नॉवेलिस्ट हैं, बताइए। उपन्यासकार, इनमें से उपन्यासकार, प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, बी प्रेमचंद, है ना, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इनमें से कौन ऐसा बच्चा जो बता सकता है मुंशी प्रेमचंद का जो बचपन का नाम था, क्या नाम था इनका, इनका बचपन का नाम क्या था, प्रेमचंद का बचपन का नाम, जल्दी बताइए। कोई है बच्चा जो बता सकता है? गलत है अमन, गलत है तुम्हारा आंसर। बी, वेरी गुड अमान, बहुत बढ़िया। आपका बी नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है एक फेमस हिंदी नॉवलिस्ट है, हिंदी उपन्यासकार है। इनका बचपन का क्या नाम था, इनका बचपन का नाम बता सकते हो, इनका बचपन का नाम बताइए। ठीक है, बी सही है, लेकिन इसका बचपन का नाम क्या है बताइए। इनका, मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय, याद रखिएगा। कोई भी पूछेगा मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था, तो धनपत राय। ओके, ठीक है। चलिए 2 मिनट और है, मैं कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, अगर आप लोग का आंसर आता होगा तो बताइएगा। आप लोग बताइए कि व्हाट है अस टू ऑपरेट द टीवी और अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को दूर से कंट्रोल करने के लिए, जैसे टीवी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हुआ, इन सबको दूर से कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, बताइए। मान लीजिए टीवी चल रहा है, हमको टीवी के पास नहीं जाना है, दूर से ही उसको कंट्रोल करना है, तो किस चीज़ से उसको कंट्रोल कीजिएगा, कंट्रोल करने वाले यंत्र का क्या नाम है? रिमोट कंट्रोल। वेरी गुड अंकिता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। चलिए आप बताइए, हाउ मेनी लेग्स डज ए स्पाइडर हैव, मकड़ा होता है ना, मकड़ा, मकड़ा के पास कितने पैर होते हैं, मकड़ी के पास कितने पैर होते हैं, हाउ मेनी लेग्स डज ए स्पाइडर हैव, मकड़ी के पास कितने पैर होते हैं। हम तो जानते हैं कि ऑल इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, जितने भी कीट पतंग है उनके पास सिक्स लेग्स होता है, बट अमन आपका आंसर गलत है। इसका आंसर कौन बताएगा, अंकिता बता सकती है मेरे हिसाब से। हाँ वेरी गुड अंकिता, 8। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि स्पाइडर के पास कितने पैर होते हैं, तो हमेशा वहां पे 8 दीजिएगा, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि ऑल इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स, जितने भी कीट पतंग हैं उनके 6 लेग्स होते हैं, लेकिन सिर्फ स्पाइडर ही ऐसा है जिसके पास 8 लेग्स होता है, ठीक है। गलत है अमन, 8 होगा। चलिए चलिए बताइएगा, नेम द ओनली प्लेयर हु कैन टच द बॉल विथ हैंड्स इन ए फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच जब होता है, उसमें से कौन से खिलाड़ी को बॉल को छूने, हाथ से छूने दिया जाता है, किस खिलाड़ी को हाथ से बॉल को छूने दिया जाता है और छूता है उसको, कौन से फुटबॉल के, कौन फुटबॉल मैच में उस प्लेयर का नाम बताइए। सर आप एग्जाम में 567 चैप्टर क्वेश्चन दिया है, 567 क्या, 67 बताइए जल्दी।
फुटबॉल मैच में किस खिलाड़ी को बॉल छूने दिया जाता है, बॉल को टच कर सकता है, हाथ से पैर से नहीं। फुटबॉल का मतलब ही होता है पैर से खेलना, लेकिन वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको बॉल हाथ से छूना पड़ता है, और उस खिलाड़ी का नाम है, उस खिलाड़ी को कहते हैं वेरी गुड बेटा, वेरी गुड गोलकीपर, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यही है आज का जीके का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जो है आप लोग को एग्जाम देना है 17 सितंबर को, ठीक है? आप लोग मन से एग्जाम दीजिए, अच्छा स्कोर कीजिएगा, बहुत अच्छा। आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि अच्छा स्कोर कीजिएगा, है ना? मेरी तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके ओके, बाय, गुड बाय, सी यू अगेन।